हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, मैंने जो पोल क्रिएट किया था उसका जो मैंने देखा है, ज़्यादातर स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि उन्हें ये जानना है कि एमएससी में एडमिशन लेने के बाद किस किस टाइप की स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होती हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। तो ये जो वीडियो है मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कर रहा हूँ, उन्हीं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो ये जानना चाहते हैं कि एमएससी में डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी होती हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन सुटेबल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हम थोड़ा आज इसी पर डिस्कशन करेंगे, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिज़िक्स का जो दो ही स्पेशलाइजेशन होता है, इन जनरल दो ही टाइप के होते हैं, दो ही ब्रांचेस होते हैं। एक होता है थियोरेटिकल फिज़िक्स और एक होता है एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स। ठीक है, दो ही टाइप के फिज़िक्स होते हैं, एक थियोरेटिकल फिज़िक्स होता है और एक एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स होता है। अब इसमें सब ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, इसमें स्पेशलाइजेशन होती है। स्पेशलाइजेशन तो अब आपको पता चल गई कि स्पेशलाइजेशन दो ही होती हैं, एक थियोरेटिकल फिज़िक्स होता है और एक एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स होता है। अब इसमें आपको स्पेशलाइजेशन यानी कि अब आपको इसमें सब ब्रांचेस मिलेंगी, आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप इन सब में से किस में रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये रिसर्च ओरिएंटेड कैंडिडेट्स के लिए है, ये उनके लिए नहीं है जो सिर्फ सिंपल एमएससी की डिग्री चाहते हैं एंड देन उनका जो है वो कोचिंग वगैरह में जॉब चाहते हैं, उनके लिए नहीं है, उनके लिए है जो रिसर्च में जाना चाहते हैं एक्चुअली। सो देखिए, अब थियोरेटिकल फिज़िक्स की हम थोड़ा इस पर मतलब लाइट डालते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसमें क्या किया जाता है। देखिए, अगर मैं थोड़ा इसकी डेफिनेशन की बात करूं, जैसा कि मुझे पता है मेरा जो है ब्रांच है वो थियोरेटिकल फिज़िक्स ही है, मैं ज़्यादातर थियोरेटिकल फिज़िक्स में ही काम करता हूं, एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स में मेरा कोई रुचि नहीं है, कोई मतलब एक्सपर्टाइज नहीं है, मैं इसमें कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन थियोरेटिकल फिज़िक्स में मैं आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प कर सकता हूं। देखिए, थियोरेटिकल फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स तैयार करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो वेदर होता है वो मतलब मुझे ये बताना है कि एक टेम्परेचर जो है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर किस तरह से वेरी कर रहा है, तो मैं उसके लिए एक मॉडल तैयार कर सकता हूँ। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है और उसके लिए मैं एक स्केलर फील्ड डिज़ाइन करूँगा और उसमें सारे जो पार्शियल डेरिवेटिव्स वगैरह लगा के उसका मैं इक्वेशन तैयार कर सकता हूँ। सो जब भी अगर आपके पास कोई ऐसी एबिलिटी आ जाए कि आप एक फ़िज़िकल सिचुएशन को जो चेंज हो रहा है या कोई और चीज़ उसको मैथमेटिकली तरीके से अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं बाय डिराइविंग सम इक्वेशंस, बाय एक्सप्लेनिंग सम इक्वेशंस, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो ध्यान है, आपका जो टैलेंट है, आपका जो माइंड है वो थ्योरेटिकल फिजिक्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम एक्सपेरिमेंटल के बारे में बात करेंगे आगे, तो आपको थोड़ा और बातें पता चलेंगी। सो थ्योरेटिकल फिजिक्स में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स तैयार करते हैं, वो भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि आप विजुअलाइज़ नहीं कर सकते। जैसा कि अगर आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपने अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम कॉन्टीन्यूम की बात करी थी। अब स्पेस टाइम कॉन्टीन्यूम की बात कर दी तो वहाँ पर 4D का बात आ जाता है, 4-dimensional मिनकोवस्की स्पेस टाइम। तो 4 dimensions, जो फोर्थ डायमेंशन होता है उसका विजुअलाइजेशन करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि समथिंग ICT लिखते हैं वहाँ पर, आई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होने की वजह से वहाँ पर उसका विजुअलाइजेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हो तो जाता है बट वो लाइट कोन्स वगैरह के कॉन्सेप्ट ऐड हो जाते हैं फिर। सो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगा के मैथमेटिकल मॉडल्स तैयार करने होते हैं। ठीक है, सो थ्योरेटिकल फिजिक्स में मेन मोटो हमारा ये होता है कि हम मैथमेटिक्स के साथ ज़्यादा डील करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, टोपोलॉजी हो गई, ज्योमेट्री हो गया, बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो मैथमेटिकल ब्रांचेस होते हैं हम फिज़िक्स में इन सभी को डील करते हैं। इसमें सब ब्रांचेस कौन कौन से, यानी अब आपको ये जब पता चल जाएगा कि यार मेरे को इसमें दिमाग लग रहा है थोड़ा सा, तो अब मेरे को क्या सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए, इसके सबसे पहला जो सब ब्रांच मैंने रखा है वो है मैथमेटिकल फिज़िक्स। मैथमेटिकल फिज़िक्स इसीलिए क्योंकि आपको मैं बता दूं, एक मैथमेटिकल फिजिसिस्ट है हमारे दुनिया में अभी, जिनका नाम है एडवर्ड विटन। ये सबसे अभी लिविंग आइंस्टाइन आप कह सकते हो, क्योंकि इनका जो दिमाग है वो बहुत ही तेज़ है, बहुत ही आसानी से ये सोचते हैं, एक ऐसे ऐसे मॉडल्स तैयार करते हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है। इनका जो मेन ब्रांच है वो है सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, यानी ये लोग ये जो है स्ट्रिंग थ्योरी में काम करते हैं, लेकिन हैं ये थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, लेकिन इनका जो ज़्यादा दिमाग है वो मैथमेटिक्स में लगता है, इसलिए इनको मैथमेटिक्स का सबसे नोबल प्राइज़, जैसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स का नोबल प्राइज़, फील्ड मेडल से भी नवाजा गया था। ठीक है, तो फील्ड मेडल आपको पता होना चाहिए उन्हीं को मिलता है जो मैथमेटिशियंस होते हैं और जो मैथमेटिक्स में नए चीज़ें डेवलप करते हैं, लेकिन ये एज अ थ्योरेटिकल फिजिक्स उसको भी जीत चुके हैं ये। ठीक है,
उनको भी ये जीत चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स भी एक तरीके से थ्योरेटिकल फिजिक्स का सब ब्रांच बन चुका है और ज़्यादातर इंडिया में भी आज की डेट में जैसे सिराज मीनवाला हैं और जितने भी स्ट्रिंग थ्योरीज़ हैं वो इसमें भी काम कर रहे हैं। तो मैं आपको इसको सब ब्रांच की तरह डील करूँगा। अगर आपका थोड़ा दिमाग मैथमेटिक्स में लग रहा है, आप थोड़ा मतलब विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो लेकिन आपने कोई क्वांटिटी सर्च करी है, आपने कुछ सोचा है, उसका फॉर्मूला आप डिराइव कर पा रहे हो, तो देन आप उसको मैथमेटिकल फिजिक्स आर्काइव पर जाकर मैथमेटिकल फिजिक्स वाले सेक्शन में रख सकते हो। दूसरा जो ब्रांच मैंने यहाँ पर रखा है वो है जीआर, जिसे हम कहते हैं जनरल रिलेटिविटी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जनरल रिलेटिविटी में हम क्या करते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम ग्रेविटी के बारे में ज़्यादातर स्टडी करते हैं, क्योंकि जब न्यूटोनियन ग्रेविटी फेल हुआ तो आपने अगर थोड़ा सा भी अगर फिक्शंस वगैरह या डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी होंगी तो उसमें लिखा होता है, उसमें बताया जाता है कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज़ नॉट डिफाइंड बाय द मतलब इज़ नॉट डिफाइंड बाई कम्प्लीटली बाई द न्यूटोनियन फार्मूला जो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर है, क्योंकि इसके ऊपर फिर क्वेश्चन उठाया था आइंस्टाइन ने और उसने फिर इसको जो है ये बताया कि स्पेस टाइम कर्वेचर होता है जो ग्रेविटी होती है और उसको हम ज़्यादातर पढ़ते हैं जी आर में। तो आप इसमें भी मतलब अगर आपको ग्रेविटी से रिलेटेड रिसर्च करनी है तो आप जनरल रिलेटिविटी में काम कर सकते हैं, जैसे गेज थ्योरी हो गया या पॉइंटर थ्योरीज हो गई, बहुत बहुत टाइप की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज हैं जी आर के अंदर। ठीक है, जो थर्ड ब्रांच है इसके आपके पास वो है एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। देखिए, कॉस्मोलॉजी एक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि कॉस्मोलॉजी जो एक्सपेरिमेंटल के अंदर आएगा, नहीं। एस्ट्रोनॉमी जो होती है वो आता है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के अंदर, कॉस्मोलॉजी नहीं आता है। कॉस्मोलॉजी एक थ्योरेटिकल फिजिक्स का पार्ट है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्केलर फील्ड्स की मदद से मैटर जो प्रेजेंटेशन है हमारे पास, जितने जितने टाइप के मैटर्स हैं, चाहे वो डार्क मैटर हो या बारियोनिक मैटर हो, जितना भी टाइप का मैटर है हमारे पास, उन सभी मैटर को हम कोशिश करते हैं या जितने भी टाइप की एनर्जीज हैं वो उनको हम स्केलर फील्ड या वेक्टर फील्ड्स के अनुसार हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ये भी सुना होगा रिसेंटली, इन्फ्लेशनरी थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी अर्ली यूनिवर्स, मतलब बिग बैंग को ये कहना है कि बिग बैंग जो है वो स्टार्ट वैक्यूम फ्लक्चुएशंस वगैरह से स्टार्ट हुए थे, तो वो सब अभी आज की डेट में काम हो रहे हैं, जो कि एक स्केलर फील्ड थ्योरी है। एस्ट्रोफिजिक्स आपको पता है, एस्ट्रोफिजिक्स में हम स्टेलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडीज करते हैं, जैसे ब्लैक होल्स हो गए, वार्म होल्स हो गए, वाइट होल्स हो गए, न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए, बाइनरी स्टार्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आप कहते हैं कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए अलग मैकेनिक्स आती है, सेलेस्टियल मैकेनिक्स, उनके बारे में हम एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड माय फेवरेट जो है आप कह सकते हैं वो है हाई एनर्जी फिजिक्स। ठीक है, हाई एनर्जी फिजिक्स का मतलब क्या है, आपने बहुत जगह सुना होगा हाई एनर्जी फिजिक्स। देखिए क्या है, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको सर्न या फर्मी लैब में अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो वी नीड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो उस केस में हम LHC या CERN वगैरह के बारे में जानते हैं किस तरह से काम करता है वो, लेकिन उनको हम जानते हैं पहले थियोरेटिकली तरीके से। तो आप कह सकते हैं दो तरीके के हाई एनर्जी फिजिक्स होती हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स एट हाई एनर्जी जो एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं, यानी कि CERN वगैरह, फर्मी लैब वगैरह या NASA वगैरह में, और एक होता है थियोरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स। तो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ थियोरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स के बारे में। इसमें चार सब टॉपिक्स होती हैं, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी और टॉपोलॉजिकल फील्ड थ्योरीज। देखिए लास्ट वाला अभी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये अभी हो रही रीसेंट डेवलपमेंट के अंदर ही है, यानी इस पर अभी बहुत सारा काम हो रहा है और ये टोटल मैथमेटिकल ही है। इवन ये जो मैंने बताया इसमें पार्टिकल फिजिक्स का तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो चुका है, हमने इसको ऑब्जर्व बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है लेबोरेटरी में। फील्ड थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी इज अ मैथड टू डिफाइन द एवरी पार्टिकल, यानी हर एक पार्टिकल का एक अपना अपना लैग्रांजियन और हैमिल्टनियन होता है, उसके बारे में हम पूरी मैथमेटिक्स करते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल क्या है, स्टैंडर्ड मॉडल यूनिफिकेशंस हैं तीन फोर्सेस के, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन तीनों फोर्सेस का जो यूनिफिकेशन है वो स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर आता है। SU1 क्रॉस SU2, SU2 क्रॉस U1, इन सब के बारे में हम लोग स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं और गेज थ्योरी ऑफ पार्टिकल फिजिक्स भी इसी के अंदर आता है। तो मतलब आप ये अल्टीमेटली समझ लीजिए कि अगर आपको पार्टिकल फिजिक्स में ध्यान लगाना है, पार्टिकल फिजिक्स में थ्योरेटिकल काम करना है, जैसे हिग्स, आपने पीटर हिग्स का नाम तो बहुत ही अच्छा सुना होगा, तो पीटर हिग्स एक ऐसे ही साइंटिस्ट हैं जो इसी तरीके से टॉपिक पर काम करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स इन जनरल, मैथमेटिकल पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, और ये जो है स्ट्रिंग थ्योरी, देखिए सबसे अच्छा अट्रैक्शन का जो आजकल डेट स्टूडेंट का बन रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है स्टूडेंट को, वो है स्ट्रिंग थ्योरी में, कि स्ट्रिंग थ्योरी में ऐसा क्या है।
देखिए, स्ट्रिंग थ्योरी में ऐसा है कि ये अभी यूनिफिकेशन की तरफ अप्रोच होने वाला एकमात्र थ्योरी है। यानी आपको पता होगा ग्रेविटी कैन नॉट बी कम्बाइंड विद अदर फोर्सेस, यानी कि ना ग्रेविटी इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ कोशिश सभी ने करी हुई है लेकिन सब कुछ ना कुछ फेलियर मिले हैं। ग्रेविटी कैन नॉट बी कम्बाइंड विद क्वांटम मैकेनिक्स, ग्रेविटी कैन नॉट बी कम्बाइंड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो फिर इन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व किया जाता है स्ट्रिंग थ्योरी में, और स्ट्रिंग थ्योरी के कई सारे पार्ट हैं। इसमें ही क्वांटम ग्रेविटी आती है, लूप क्वांटम ग्रेविटी आता है, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी है, सुपर सिमेट्री है, बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। और आज की डेट में इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है मैथमेटिकली तरीके से, साइंटिस्ट बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें पेपर्स लिख रहे हैं। आप archive.com पे जाके बहुत पेपर्स पढ़ सकते हैं इससे रिलेटेड, और आदत लगाइए रिसर्च पेपर पढ़ने की, ठीक है। तो टॉपोलॉजिकल फील्ड थ्योरी अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये हायर डायमेंशनल क्वांटम फील्ड थ्योरीज हैं, या आप कह सकते हैं लोअर डायमेंशनल क्वांटम फील्ड थ्योरीज, यानी डायमेंशनैलिटी ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरीज में अगर हम बदल दें तो वो टॉपोलॉजिकल फील्ड थ्योरीज बन जाती हैं। और जो मैंने अभी आपको नाम बताया एडवर्ड विटन, ये ऐसे फिजिसिस्ट हैं जो टॉपोलॉजिकल फील्ड थ्योरी में ही काम करते हैं मेनली। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये थ्योरेटिकल फिजिक्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन सब टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं, यानी इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं इन सब सब्जेक्ट्स की, तो सबसे बेस्ट और सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हरिश्चंद्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। इसमें जो एडमिशन होता है वो जेस्ट के बेसिस पर होता है, और लेस देन अगर 50 रैंक है आपकी तो आपको वहाँ से कॉल ज़रूर आएगा। इंटरव्यू अगर आपने क्रैक कर दिया तो आप MSc PhD डुअल डिग्री या MSc 2 ईयर का प्रोग्राम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अशोक सेन, जो कि इंडिया के सबसे बेस्ट स्ट्रिंग थ्योरिस्ट में से एक हैं, वो आपको टीचिंग तो नहीं कराते हैं मेरे ख्याल से, वो आपको लेकिन कोर्स ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। वो एक दो कोर्स पढ़ाते हैं तो उनका अलग ही, उसमें अलग दूसरे यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी में काम करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करिए IMSC, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, चेन्नई में है। इसमें भी एडमिशन जस्ट के बेसिस पर होता है, और लेस देन अगर 70 या 80 रैंक है तो आपको कॉल ज़रूर आएगा और आप इंटरव्यू ज़रूर क्रैक करेंगे। थर्ड नंबर पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर IOP आप ये ज्वाइन करिए। IIT कानपुर भी है इसमें चौथे नंबर पर लिस्ट में, अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी में काम करना चाहते हैं। IIT गुवाहाटी भी है। तो आप अगर स्ट्रिंग थ्योरी या इन मैथमेटिकल थ्योरेटिकल फिजिक्स में काम करना चाहते हैं, हाई एनर्जी या कॉस्मोलॉजी में, तो आप ये 4-5 आइजर पूना मोस्ट रिकमेंडेड है अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये 3-4 इंस्टीट्यूट्स हैं। बाकी इंस्टीट्यूट जो भी होगा मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कौन कौन से थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए बेस्ट है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको थ्योरेटिकल फिजिक्स का तो नॉलेज थोड़ा बहुत हो गया होगा। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की। सर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का क्या है इसमें, मतलब क्या करना होता है? देखिए, जैसा कि एज अ नेम सजेस्ट, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का मतलब है कि हम इसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ज़्यादातर, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोटिंग्स, ICs, ये सब रेडी करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के भी बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं। जैसे पहला आता है कंडेंस मैटर थ्योरी या कंडेंस मैटर फिजिक्स। अगर आपका ध्यान जो है ऐसा लग रहा है कि आप गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में हो रहे कंडेंसेशन की स्टडी इजीली एक्सपेरिमेंटल लैब में कर सकते हैं, तो आप ये ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन स्ट्रिंग थ्योरी का कंडेंस मैटर फिजिक्स के साथ रिलेशन है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि स्ट्रिंग थ्योरी जो कि थ्योरेटिकल का पार्ट है वो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के पार्ट के साथ मैच कर जाता है। इसमें कुछ पार्ट्स आते हैं। मटेरियल साइंस, अगर आपका सॉलिड स्टेट में दिमाग चल रहा है, आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जैसे MnO2 का डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटोसिंथेसिस, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप मटेरियल्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ऑप्टिक्स, लेज़र वगैरह के बारे में आपको स्टडी करनी है, मेजर लेज़र, ब्लू लेज़र, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आप इसमें जा सकते हैं, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल पार्ट होता है। नैनो टेक्नोलॉजी, आज की डेट में आपको पता है वन ऑफ द एडवांसमेंट जो है टेक्नोलॉजी में वो है नैनो टेक्नोलॉजी। काफ़ी छोटी छोटी चिप्स बनने लग गई हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत ही अच्छा रोल है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने भी आपको बताया अगर आप ICs डिज़ाइन करना चाहते हैं, चाहे वो कोई सा भी ICs हो, इंटीग्रेटेड मैं चिप्स की बात कर रहा हूँ, सर्किट्स की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बनता है। थिन फिल्म कोटिंग होती है, VLSI वगैरह की, डायोड्स वगैरह की स्टडीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होता है। एस्ट्रोनॉमी, देखिए यहाँ पर दो टाइप के एस्ट्रोनॉमी होती है, एक होता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी और एक होता है ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी। इवन ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी को अभी 2 साल ही हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स इस पर काम कर रहे हैं हमारे इंडिया में और बाहर भी। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर पोक करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट
थियोरेटिकल फिजिक्स में जाना चाहते हैं और उनका अगर ऐसा मन है कि वो एमएससी इंडिया से करके पीएचडी बाहर से करना चाहते हैं, तो जो दो मोस्ट रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं अब्रॉड वो है आईएएस प्रिंसटन न्यू जर्सी में है, इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज़ जहाँ पर एडवर्ड मिल्टन खुद पढ़ाते हैं, और एक है केआईटीपी वो है केवली इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, और एक है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स वो आईसीटीपी इटली में है ट्रिस्टी में। तो आप इन तीन इंस्टीट्यूट्स को, अब पेरीमीटर इंस्टीट्यूट भी है, पेरीमीटर इंस्टीट्यूट ये चार पांच इंस्टीट्यूट, मैं उसके भी नाम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम बात कर रहे थे एस्ट्रोनॉमी की, तो दो तरीके का एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी और ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी। तो आपके पास देखना है कि आपको किस में जाना है, क्योंकि रेडियो एस्ट्रोनॉमी तो बहुत ओल्ड है और बहुत अच्छा ही काम कर रही है वो, ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी अभी बहुत अच्छी अच्छी तरीके से एक्सप्लोरेशन कर रही है। प्लाज्मा फिजिक्स भी इसके अंदर आता है, यानी सन से निकलने वाली डिफरेंट डिफरेंट प्लाज्मियंस और प्लाज्मिक रेज, उन सब के बारे में स्टडीज़ कराई जाती हैं। और आज की डेट में आपको पता है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से कोई लिमिटेशन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इस पर काम हो रहे हैं, तो और भी अच्छे अच्छे ब्रांचेस आने वाले होंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है और ये थ्योरेटिकल फिजिक्स होते हैं, और इसमें मैंने बता दिया आपको कि आप कौन कौन से कॉलेज, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के लिए आईएससी और आइजर्स जितने भी हैं, मोहाली हो गया, कोलकाता हो गया, भोपाल हो गया, ये सब बेस्ट हैं, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको जाना है आप दिल्ली जेएनयू ज्वाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के लिए भी। ठीक है, और आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल के लिए है वो इवन आईओपी भी है, आप SINP सहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, इधर न्यूक्लियर फिजिक्स भी मैं लिखना भूल गया, इसलिए आप सम मोर में मान लीजिए न्यूक्लियर फिजिक्स ही। तो और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने डिफरेंस बताया दोनों में, मैंने आपको स्पेशलाइजेशंस के बारे में बता दिया, अब आपको चेक करना है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।